हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट ऑडियो विजुअल एड्स। आज हम दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में बात करेंगे। ऑडियो विजुअल एजुकेशन और मल्टीमीडिया बेस्ड एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन वेयर पर्टिकुलर अटेंशन इज पेड टू द ऑडियो एंड विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन। अकॉर्डिंग टू द व्यवस्था डिक्शनरी, ऑडियो विजुअल एड्स इज डिफाइंड एज ट्रेनिंग और एजुकेशनल मटेरियल्स डायरेक्टेड एट बोथ द सेंसेज ऑफ हियरिंग इन द सेंस ऑफ साइट, फिल्म्स, रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ्स इटीसी, यूज्ड इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, लाइब्रेरी कलेक्शंस और लाइक। देखिए, जो ऑडियो विजुअल एजुकेशन है, मल्टीमीडिया आधारित शिक्षा है, ये एक निर्देश होता है जहाँ सामग्री की श्रव्य और दृश्य प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि समझ और प्रतिधारण को बेहतर बनाया जा सके। बेवस्टर डिक्शनरी के अनुसार ऑडियो विजुअल एड्स को प्रशिक्षण या शैक्षिक सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सुनने और देखने की इंद्रियां, कक्षा के निर्देश, पुस्तकालय संग्रह या पसंद में उपयोग किए जाने वाले दृश्य, फिल्मों, रिकॉर्डिंग, तस्वीरों इत्यादि दोनों पर निर्देशित होता है। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं ऑडियो विजुअल एड्स की? फर्स्ट है रिलेवेंसी, यानी प्रासंगिकता। द एड मस्ट बी रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट विच नीड्स टू बी डेवलप्ड। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यू इज द एक्सटेंट टू विच एनी एड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। A visual aid could be accurate to the best details, understandable and interesting, and yet to be of little value because of its irrelevancy. देखिए, ये जो प्रासंगिकता होती है, ये उस अवधारणा के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए जिसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानक मूल्य वह है जो किसी भी सहायता को सीधे विषय की समझ से संबंधित है। एक तरह से सहायता सबसे अच्छी तरह से समझ में आने वाली दिलचस्प और रोचक हो सकती है। जिसे एक उदाहरण के लिए, एक शिक्षक चार्ट की सहायता से सोडियम परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो सुंदर चार्ट का उपयोग करता है और उसमें परमाणु संरचना है। इससे शिक्षण मूल्य में बहुत कमी आ जाएगी चार्ट पर अप्रासंगिक सामग्री की उपस्थिति के कारण। इसलिए सामग्री प्रासंगिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, यानी शुद्धता। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द ऑडियो विजुअल एड्स एक्यूरेट, बट इट इज द डिफिकल्ट टू मेक देम एज एक्यूरेट एज डिजायर्ड। द चार्ट इज ऑलवेज मिसिंग द थर्ड डायमेंशनल एट्रीब्यूट एंड मस्ट बी व्यूड फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजिशन। द मॉडल्स ओवरकम बोथ दीज डिफिकल्टीज बट आर सेल्डम एज एक्यूरेट इन द डिटेल्स एज पिक्चर्स। ऑडियो विजुअल एड्स को सटीक बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उन्हें वांछित रूप में सटीक बनाना मुश्किल है। चार्ट हमेशा तीसरे आयामी विशेषता को याद करता है और एक निश्चित स्थिति से देखा जाना चाहिए। मॉडल कठिनाइयों को दूर करता है, लेकिन चित्रों के रूप में विवरण में सटीक रूप से शायद दिक्कत भी होते हैं। समझ की सटीकता के लिए अक्सर नमून की सटीकता का के बजाय महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सेब के खिलने से फूलों के प्रमुख हिस्सों को सिखा रहा है तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ऐसे भागों को उचित संबंध को स्पष्ट करना होता है, जैसे पंखुड़ियाँ, सिपल्स, पुंकेश्वर आदि। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, यानी रुचि। इट इज परचेंस मेक्स द लर्निंग प्रोसेस वेरी इजी एंड इट्स सब्सटेंस मेक्स इट रिपल्सिव। इट्स परचेंस मेक्स द वर्क ऑफ प्रिविलेज एंड इट्स सब्सटेंस मेक्स इट पनिशमेंट। इट इज अ मेन जॉब ऑफ द टीचर टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। देखिए, बच्चों में रुचि होना बहुत जरूरी होता है। इसकी उपस्थिति सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है और इसकी अनुपस्थिति एक प्रतिकारक बनाती है। इसकी उपस्थिति कार्य को एक विशेष अधिकार देनाती है और अनुपस्थिति इसे एक दंड बनाती है। इसलिए छात्रों में रुचि पैदा करना शिक्षक का मुख्य काम होता है और सभी विषयों को लगभग ऑडियो विजुअल सामग्रियों की मदद से पढ़ाना चाहिए ताकि एक इंटरेस्ट बच्चों में पैदा हो सके। नेक्स्ट है मोटिवेशन।
How to motivate students for learning? Audiovisual aids motivate learner as they make the learning process in classroom interesting, especially in activity oriented subjects for effective learning. यानी छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, बच्चे ऑडियोविजुअल एड्स के माध्यम से किस तरीके से प्रेरित होते हैं, और ये कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को विशेष रूप से प्रभावित बनाता है और गतिविधि उन्मुख विषयों में दिलचस्प बनाता है. नेक्स्ट रियलिज्म यानी यथार्थवाद. इफ विजुअल एड मस्ट पजेसिस द क्वालिटी ऑफ डेवलपिंग रियल concepts of the things. Suppose we try to develop in our students the concept of the movement of electrons in the atom. When we in this case they try our best to describe accurately with the help of diagram, but the students are shown the actual film of the moments. देखिए किसी दृश्य सहायता के पास चीज़ों की वास्तविक अवधारणा को विकसित करने की गुणवत्ता होनी चाहिए. मान लीजिए हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन के आंदोलन की अवधारणा को अपने छात्रों में विकसित करने का प्रयास करते हैं, और इस मामले में आरेखों की मदद से सटीक वर्णन करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन छात्रों को इलेक्ट्रॉन आंदोलनों की वास्तविक फिल्म दिखाई जाती है, बहुत ही अलग अवधारणा विकसित की जाती है. इसके हैं टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी इसके क्या टाइप्स हैं. फर्स्ट है ऑडियो एड्स. एग्जांपल्स आर रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगोफोन, ऑडियो कैसेट प्लेयर, लैंग्वेज लेबोरेटरी, ये इसके एग्जांपल्स हैं. फिर है विजुअल एड्स, यानी एग्जांपल्स आर चार्ट, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड, मैप्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, टेक्स्ट बुक्स, स्लाइड, प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, फ्लैश कार्ड, प्रिंट मटेरियल्स इत्यादि. थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स. एग्जांपल्स आर एलसीडी प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी कंप्यूटर, बीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया आदि. देखिए इसके लाभ क्या होते हैं. हम आधुनिक दुनिया में शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हैं, और कक्षा में सबसे आम उपकरण का उपयोग करते हैं जो कि पावर पॉइंट है, जो कक्षा को अधिक रोचक, गतिशील और प्रभावी बनाता है, और ये नए विषयों को पेश करने में भी मदद करता है. दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग छात्रों को लंबे समय तक अवधारणा को याद रखने के लिए बनाता है. ये शब्दों के रूप में एक अर्थ व्यक्त करता है, लेकिन ये स्पष्ट अवधारणा देता है जिससे सीखने में प्रभावशीलता लाने में मदद मिलती है. ये कक्षा में प्रौद्योगिकों को एकत्र करने से छात्रों में स्पष्ट रूप से चीज़ों को अनुभव करने में भी मदद प्राप्त करता है.